ये आई एम ड्राइविंग स्विफ्ट, मेरे डैड की फेवरेट कार। वो बहुत सालों से स्विफ्ट चला रहा है। स्विफ्ट बेचते हैं, स्विफ्ट ले लेते हैं। थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। सो गाइस, दिस इज द पार्सल। जस्ट होल्ड अ मिनट। सो मेरे डैड की फेवरेट कार है स्विफ्ट। कोई भी कार हो जाए, कितना भी टाइम हो जाए, वो स्विफ्ट बेचते हैं और स्विफ्ट ही लेते हैं और स्विफ्ट ही चलाते हैं। उनको इतना कंफर्टेबल लगता है ये चलाना। और ये पीपी भी इसलिए कर रहा है क्योंकि पता नहीं क्या इसमें सिक्योरिटी फीचर है एंड ऑल, कि अगर मैं सीट बेल्ट ना पहनूं तो ये पीपी करना बंद नहीं करेगा। तो एक सेकेंड रुको भाई, सीट बेल्ट पहन लेते हैं। सीट बेल्ट पहन ली है, गड्डी चलाएंगे अपा। सो मैंने तेजराज.com से बायनोकुलर्स ऑर्डर किए हैं और देखते हैं कैसा है। मैंने बशनेल के 20x50 वाले बायनोकुलर्स ऑर्डर करे हैं। अब वो देखते हैं, उसका भी रिव्यू करता हूँ और आपको डालता हूँ, बताता हूँ कि कैसे है वो। बाकी स्विफ्ट चलाने का यार मज़ा इतना अमेजिंग आता है। ओ पंगा हो गया। मैं मेरी गाड़ी ना -2 में खड़ी होती है और -1 पे पापा की गाड़ी खड़ी होती है। मैं एक मिनट के लिए सोचा कि मेरी पार्किंग -2 में है तो मैं नीचे जाने लगा था गलत पार्किंग में, जबकि मुझे -1 में जाना है। ये देखो पार्सल आ गया है। मैं बहुत वेट कर रहा था, मुंबई से मैंने ऑर्डर किया था स्पेशल और वो कोरियर से आया है, वो भी इस लॉकडाउन के टाइम के पीरियड में। भाई इतनी कंफर्टेबल कार है, इतनी कटिंग इतनी इजी है इसमें, वो चलाना बहुत ही इजी है। ये जैसे मर्जी करके चला लो, जैसे मर्जी करके कटिंग कर लो। आई थिंक इसलिए मेरे फादर को ये गाड़ी चलाना ये वाली पसंद है। और मेरा फेवरेट सॉन्ग भी बज रहा था जो खत्म हो गया। मुझे रेडियो सुनना ज़्यादा पसंद है। मैंने लिए है तेजराज से, जो अमेजोन में लिस्टेड है, और हमने लिया बशनेल का बायनोकुलर जिसको अनबॉक्स करेगी रातिका। ओह माय गॉड, इतनी मस्त कैंची। इसको अनबॉक्स करेगी अब रातिका। टाइम लैप्स पे लगाऊं क्या अभी? टाइम लैप्स ही कर लें। तो आ गया है और ये अनबॉक्स हो गया है। तो इसमें क्या निकला? सोलर फिल्टर। मैंने इसके एडिशनल 250 रुपये दिए थे कि सोलर फिल्टर के लिए, कि मैं देख पाऊँ सुबह सन देख पाऊँ। और आप एक चीज देखो, ये जो सोलर फिल्टर्स है वो कितने बड़े हैं। इसका मतलब कि ये जो बायनाकुलर्स है ये बड़े होने वाले हैं। और इसमें लिखा है टेलीस्कोप फिल्टर। और क्या निकला है देखते हैं। बशनेल, तो मैं इसका वेट लॉकडाउन के टाइम पे पूरा कर रहा था और ये लॉकडाउन के बाद मेरे पास आया है बायनोकुलर, कि मैं सारा व्यू एंजॉय कर पाऊं। बशनेल पावर व्यू बायनोकुलर अल्ट्रा हाई पावर पार इन समवन पीपल से लाइक पार पावर। इसको ओपन करते हैं। एस्टैब्लिश 1948। इसमें है ये मैनुअल्स कि इसको कैसे यूज करते हैं, जो हमने कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं। ओह माय गॉड, कितना अच्छा केस है ना।
स्मूथ केस है ये। अच्छा इज इट लाइक अ स्लिम बैग, इसमें स्लिंग भी है, मतलब हम इसको टांग सकते हैं आराम से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी सॉरी व्यू के लिए। और क्या निकले, तेजराज वाले भाई साहब के कार्ड निकले, दर्शिल पटेल, थैंक यू दर्शिल पटेल फॉर डिलीवरिंग ऑन टाइम एंड गिविंग अ वेरी गुड पैकिंग। Bushnell C 10x50 Bushnell, oh ye heavy hai, main bahut saalon baad ek binocular use karne wala hu, ऑलरेडी मुझे चश्मा लगा, चश्मे पे चश्मा, चश्मे पे बायनोकुलर। चलो इसको अब हम लाइव ट्राई करते हैं। आई बॉट न्यू बायनोकुलर्स और इसमें आते ही सबसे पहले सबसे बड़ा इशू आ गया, ये पोर्शन है ये बाहर निकल गया और ये दोबारा अंदर जा ही नहीं रहा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, ये दोबारा जाके फ्री हो गया ये। एंड नॉट मेड टेक्निकल सपोर्ट लेके देखूंगा मिलता है नहीं मिलता। ये अंदर डाल रहा हूँ, ये फिक्स हो गया पूरा, और ये तो जैसे मैं अब इसको निकालता हूँ ये बाहर नहीं निकलेगा, देखो इतना टाइट है बाहर नहीं निकल रहा, बट ये फ्री हो गया। आई एम ट्राइंग माई इवन एवरी पॉसिबिलिटी, ये फ्री हो चुका है, पता नहीं क्या होगा इसका, टेक्निकल सपोर्ट करके देखता हूँ बात करके तेजराज वालों से, इफ दे कुड हेल्प मी आउट इन दिस इशू और नॉट। तो सिचुएशन ये है कि कल जो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा था, मतलब कल, मतलब अब इस बात पे एक दिन हो गया है, तो अनबॉक्सिंग करते करते वो जो बायनोकुलर्स का एक आईपीस होता है वो निकल गया, उसको मैंने हल्का सा मतलब छुआ रोटेट करने के लिए, वो निकल के बाहर आ गया। तो मैंने जिससे मैंने परचेज़ किया उससे कॉन्टैक्ट किया, उसको बोला भाई ये इशू है, और ही सेड कि आप उस पर ग्लू लगा लो, उसकी ग्लू ख़त्म हो गई है, फिर भी बॉन्ड लगा लो जो से उसका ग्लू ख़त्म हो गया है। कल मेरा हुआ बहुत मूड ख़राब, तो मैंने व्लॉग वहीं पे बंद किया और आज फिर से वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ दोबारा, और मैं उसका ग्लू लगाता हूँ। आई डोंट नो ही सेड कि अगर आपसे नहीं होगा तो मुझे वापस भेज दो, मैं रिप्लेस कर देता हूँ या फिर मैं रिपेयर कर देता हूँ, आई डोंट नो क्या करके देगा क्या नहीं देगा। तो मैं अब उस पर ग्लू मंगवाया है, मैं तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरी अब अनबॉक्सिंग हमेशा ख़राब निकलती है, तो मैं राधिका से लगवाऊंगा उस पर ग्लू और देखूंगा कैसे वर्क करता है, और बहुत मतलब अप्रोप्रिएट लगाना पड़ेगा, कहीं वो ग्लू लेंस में ना गिर जाए, तो वो बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा अगर उस पर वो गिर गया तो मेरा वो बायनोकुलर्स वेस्ट जाएगा। और वो कोई सस्ता बायनोकुलर नहीं था, बशनल के आप बायनोकुलर्स देख सकते हो कितने प्राइसिंग के आते हैं। तो मैं अभी वो लगा के, फिर भी बॉन्ड है, पता नहीं कौन सी कंपनी की बॉन्ड मिली है, जेम्स बॉन्ड की कोई 0007 00 कौन सी 07 हिप्पोपोटामस भी बना हुआ है इसमें। अब इसको हम एक मिनट के लिए छोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है, चलो देखते हैं। एक मिनट हो गया है, राधिका थोड़ा हिला के दिखा इसको कि अब ये निकल रहा है कि नहीं, या फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, ये वाला घूम रहा है, घुमा के दिखा, हाँ ये घूम रहा है ना, ये तो घुमाना, ये घूमता नहीं है वैसे, एक ही साइड घूमती है क्योंकि इसमें एरो भी बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ केयरफुली, हाँ इसमें एरो बना हुआ है प्लस माइनस का, इसमें नहीं बना हुआ। अब ये फिक्स हो गया है और मैं अब आपको इसके थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे दिखता है हमारा दिल्ली इतनी ऊंचाई से। दिख गया, लग गया, सेट हो गया, ओ माय गॉड, आपको आ रहा है क्लियरली विजिबल,
बर्ड वॉचिंग के लिए कितनी सही है ना। अब देखो यहाँ पे काम चल रहा है, कितना क्लियर दिख रहा है ये। और अब देखो सिग्नेचर ब्रिज दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहाँ से। और ये देखो इतना क्लियर दिख रहा है, और सिग्नेचर ब्रिज, और फिर ये उसके पीछे जो मैं स्टेडियम आपको बोलता हूँ उसकी लाइट्स क्लियर दिख रही है, और ये घर और बर्ड्स। बर्ड वॉचिंग के लिए तो बहुत अमेजिंग है। ओहो कहाँ गया कबूतरों, कबूतर उड़ के गए सामने से। इधर ना पीकॉक्स भी आते हैं इस वाले पार्क में, जो ये आगे वाला पार्क है, तो कभी पीकॉक्स आएंगे तो मैं आपको पीकॉक्स भी कैप्चर करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये पार्क है। हाँ ये अब से सेट हो गया। ये कार जा रही है, क्लियर दिख रही है, बसेस जा रही है। ये वाला बेटर है। ओह गॉड कितना सही लग रहा है ना, आराम से बर्ड वॉचिंग, डिस्टेंस वॉचिंग सब हम आराम से कर सकते हैं इसके थ्रू। ओ कबूतरू देखो, मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसको, लोग ऊपर क्रॉस करके चले गए। तो मैंने सोलर फिल्टर्स भी लिए, किसी दिन सोलर फिल्टर्स के साथ आपको व्यू दिखाऊंगा, तो आप और एंजॉय करोगे, सन देखोगे, और मैं आपको किसी दिन मून भी दिखाऊंगा इसके थ्रू। तो मेरे आने वाले व्लॉग्स देखते रहिए, तो मैं इस बायनोकुलर्स के साथ जो जो और डिस्कवरीज करूँगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। अब दिख रहा है कुछ नहीं ना।